नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। खास खबरों के साथ आपको मिलेगी ताजा जानकारी। चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, धन्यवाद। आज पेपर लीक का एक माफिया तैयार हो गया जिसने 13 महीनों में 19 पेपर लीक करवाए। बटन दबा करके आप आशीर्वाद प्रदान करें जिससे देवकतरा विधानसभा में विकास की योजना बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 30-30, 40-40 हजार रुपया कर्जा माफ कराता हूं देवीलाल जी, तो बाका नाम की भी एक ताली हो जाए जोरदार। अब मैं करूंगा हमारे किसान केसरी, हरियाणा की धड़कन, हरियाणा के भविष्य, हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जल्दी ही मुख्यमंत्री भी बनेंगे, इस बात में कोई दोराय नहीं है। हमारे आदरणीय नेता जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत जी चौटाला साहब आइए और किसानों को अपनी बात कहिए और मेरी पानी वाली बात को भी ध्यान रखिए। बहुत ही सम्मान के योग्य सर्वे गांव की इस पावन धरा पर आपके प्रत्याशी भावी विधायक रघुवीर सिंह जी तंवर, विधायक अमरजीत सिंह ढांडा, चेयरमैन कमलेश सैनी जी, चेयरमैन भाई सुमित जी, संजय जी, अजीत जी, यादव साहब, सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारी, गांव के मेरे बुजुर्ग युवा साथियों, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि सरोई आने पर जो आपने प्यार मान सम्मान दिया, तहे दिल से आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और एक निवेदन जो आज आपसे करने आया हूँ कि आगामी 25 नवंबर को बड़ा महत्वपूर्ण दिन है राजस्थान के लिए कि आपके यहाँ पर विधानसभा की पोलिंग, और इस महत्वपूर्ण अवसर पर मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना आप सब से है कि एक एक वोट की चुगाई करनी है, एक एक वोट को साथ जोड़ना और वेद जी के पक्ष में चाबी का बटन दरबार पर दबाने का। बुजुर्ग युवा साथियों, आज राजस्थान में जैसे वीर जी कह रहे थे कि माफिया, एक माफिया को नहीं, बजरी रहते वाले छोटो माफिया, आज तो गैंग वॉर के लिए वो माफिया तैयार हो गया जो कभी यूपी बिहार में सुनते थे। आज पेपर लीक का एक माफिया तैयार हो गया जिसने 13 महीनों में 19 पेपर लीक करवाए। आज थाने में कोई पर्चा कराने जाता है तो उसके लिए भी विधायक का फोन कराना शुरू कर दिया, वो भी एक नया माफिया से बन गया।